बेटी आंटी बहुत सदियों बाद। हाँ, आज मैं अचार बना रही हूँ। घर में अचार खलास हो गया है और वो भी इंस्टेंट फटाफट विनेगर में बस डालो और 15 मिनट के बाद खाना चालू करो। समझा? जो सब्जी है घर में वो डाल दो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, कुकुम्बर। अभी ग्रीन चिली लेती हूँ, ग्रीन चिली विनेगर ज्यादा दिन नहीं रखने का क्योंकि बहुत खट्टा हो जाएगा, ठंडी में गला पकड़ लेगा। तो 2-3 दिन खाया विनेगर का अचार बस है, इतना बनाओ जो 2-4 दिन बस का खा सको। की बड़ी मिर्ची, मिर्चा तो अचार में तो बड़ी डाली जाती है ना। मैं कुकुम्बर डाल रही हूँ, आपको मालूम होना चाहिए ये लेबनीज फूड में कुकुम्बर का, विनेगर में कुकुम्बर का अचार चाहिए ही चाहिए। पीलर से देखो छिलेंगे तो छिलका भी बिल्कुल पतला निकलेगा, वेस्ट नहीं होएगा। कुकुम्बर पहले थोड़ा खा के देख लो, कभी कभी कुकुम्बर करवा भी निकलता है। ये बीजे निकाल दो और कुकुम्बर लंबा लंबा ही डालो, छोटे छोटे टुकड़े नहीं डालेंगे, अच्छा लगेगा। कचरा फेंकने दो मुझे, चलो टेबल पे चलते हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, ग्रीन चिली, कुकुम्बर, अनियन। अनियन मैं एक ही डाल रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे नहीं है, बड़ा अनियन है। ये ऐसा अचार है बस अभी आप डालो, 15 मिनट के बाद खाना चालू करो। मेरे एक अंकल थे, वो जब भी मेरे यहाँ घूमने आते थे एक दिन पहले मुझे फ़ोन करते थे, बेटा कल हम आ रहे हैं, भजिए के साथ अचार चाहिए विनेगर वाला, वो डाल देना। बस उसी दिन हम डाल देते थे, दूसरे दिन आके खाते थे सब लोग। पहले सब सब्जियाँ डाल देते हैं। ये कॉलीफ्लावर मैंने धो के गर्म पानी में धो लिया है। कैरेट्स, क्योंकि ये जल्दी बनता है अचार और खाना भी आपको जल्दी है। विनेगर ज़्यादा दिन मत रखिए। बाकी सब्जियां और भी जो भी हो, मूली, ये वो, जो भी आप अचार में यूज़ करते हो, इस अचार में ये कुकुम्बर स्पेशली लेबनीज खाने में इसका अचार बहुत चलता है। वो बिना इसके डाइनिंग टेबल उनकी नहीं सजती है, कुकुम्बर का चाहिए। अच्छा, मेन डालती हूँ मिर्ची। मिर्ची विनेगर में बहुत स्वाद देती है, आपने देखा होगा चाइनीज़ में मिर्ची बनी रहती है विनेगर में। ये वैसे भी नीचे चला जाएगा, सब डाल देती हूँ। अभी पहले डाल देते हैं विनेगर। विनेगर बहुत, क्या मैं हिंदी में बोलूँ, यानी तेज़ होता है। आप प्योर विनेगर खाली नहीं डालने का, आपको पानी भी डालने का इसके साथ। देखो आधा कटोरी मैंने विनेगर लिया है और वन क्वार्टर ले लेती हूँ, यानी 3/4 कप मैंने विनेगर डाल दिया है। और ये वार्म वाटर है, गर्म नहीं, वार्म, ताज़ा। थ्री फोर्थ वो डाला है तो 3/4 ये भी डाल देते हैं। अभी मसाले सब डालते हैं। मैंने आज अदरक पूरा पीस लिया है, मैं भूल गई रखने टुकड़ा, पर मैं पीसा हुआ अदरक थोड़ा डाल देती हूँ। अदरक डालने से कुछ पेट वेट में डाइजेस्ट बराबर होएगा। वैसे टुकड़ा टुकड़ा होता है तो अच्छा लोग खाते हैं, आप ये भी खा सकते हो। और आप थोड़ा हींग डाल दीजिए। हींग आपको मालूम है डाइजेशन के लिए कितनी अच्छी चीज़ होती है।
मसाले भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आराम से घर में जो है आप बन जाएगा। अभी इसमें डालेंगे सॉल्ट, वो आप देखो सब्जियों के अनुसार अपने हिसाब से डालिए। ये सॉल्ट हो गया, लाल मिर्ची वो भी अपने हिसाब से डालिए, और हल्दी, हल्दी तो हर एक चीज़ में ज़रूरी है आपको मालूम है। और अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा शक्कर, ये विनेगर के अचार में शक्कर डालना ज़रूरी है, क्योंकि खाली सॉल्ट और वो खट्टा तो ये इसका उसके स्वाद को एनहेंस करता है, शुगर शुगर, तो इसके लिए थोड़ा है 1 टीस्पून। और अभी इसको ढक्कन बंद करो और जो हमने नमक वमक डाला है वो मिक्स करते हैं। अभी देखिए, अभी इसको आधे घंटे के अंदर 2-3 बार हम मिक्स कर देंगे बॉटल को हिला हिला के, फिर आप खाना चालू कर दो। भले एक बार बना के देखिए कितना इजी है, वो मसाले वाले अचार उसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेहनत, कम मेहनत वाला मैं खाना दिखाती हूँ, ये बिल्कुल मेहनत नहीं है इसमें। अभी मैं डाइनिंग टेबल पर रख लेती हूँ, बस आधे घंटे में आप भले स्नैक्स के साथ खाओ, डिनर के साथ खाओ, जिसके साथ जैसा सलाद होता है, ये एक किस्म का सलाद ही है। जिनको चाहिए ये गोभी जैसा हमने डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, इनको इस अचार में से निकाल के आप इसके पकोड़े भी तल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये खट्टा हो चुका है तो पकोड़े में ज़्यादा ही टेस्ट आएगा। अभी ये देखा है आपने, अभी बनाना ट्राई करना, खा के देखना, फिर मुझे बताना ये सिंपल अचार आपको अच्छा लगा कि नहीं।